हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ खोपरे का बूरा बनाने का सही तरीका, क्योंकि खोपरे का बूरा बना तो लेते हैं लोग, लेकिन उसको सही तरीके से कैसे बनाना है और किस तरीके से आप बना सकते हैं वो मैं आपको इस चैनल में इस वीडियो के थ्रू बताऊँगी। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं ना, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को टू एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू अवर चैनल, और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ताकि हर किसी तक काम की वीडियो पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ किस तरीके से बनाएंगे हम नारियल का बूरा। तो इस तरीके से हमें सूखा नारियल चाहिए होता है, जैसे कि जो नारियल रहता है ना, बिना पानी वाला नारियल अगर लग रहा है ना आपको, गोला बच रहा है, तो आप उसको भी फोड़ सकते हैं और उसमें से इस तरीके से नारियल निकाल सकते हैं। उसको तोड़ना फोड़ना नहीं है, या फिर मार्केट में भी आपको मिलते हैं सूखे नारियल, तो आप वो मार्केट से भी ला सकते हैं। अब इसके ऊपर जो इसकी परत होती है ब्राउन कलर की, वो हमें इसे किसनी की हेल्प से हमें निकालनी है। देखिए इस तरीके से किसनी से हमने पूरी जो ब्राउन लेयर थी ना, इसकी पूरी निकाल दी। अब अंदर का हमारे पास वाइट पार्ट बचा हुआ है। अब वाइट पार्ट को हमें अच्छे से किसना है। देखिए ब्राउन पार्ट के साथ अगर हम किसेंगे ना, तो जो नारियल का बूरा है ना, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, और हमें वाइट नारियल का बूरा चाहिए होता है, इसीलिए हमने वो ऊपर का ब्राउन पार्ट जो है वो हटा दिया था। तो इस तरीके से हम इसको बूरा निकाल देंगे नारियल का। देखिए किसनी से आप चाहे तो अपने हिसाब से, अगर आपको बारीक चाहिए तो बारीक किसनी से आप किसिए, और अगर आपको मोटा चाहिए तो आप मोटी किसनी से भी किस सकते हैं। तो इस तरीके से नारियल का बूरा जो है वो आप बना सकते हैं, या आप मिठाइयों में यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई स्पेशल रेसिपी बनानी है उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारे काम आएगा आपके। तो इस तरीके से आप नारियल का बूरा जो है वो बना सकते हैं। इसका देखिए अंदर से जो छिलारी है ना, ये निकल गई, क्योंकि ये क्या थोड़ा नरम पार्ट रहता है ना, तो वो इसमें किसाएगा नहीं। तो आप इसका भी कुछ अलग यूज़ कर सकते हैं गार्निशिंग के तौर पे। तो इस तरीके से हमने बनाया है खोपरे का बूरा। होप गाइस आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो देखा कितना इजी था बनाना। तो हम आपको हमेशा इजी ही चीज़ें बताते हैं ताकि आप आसानी से घर पे बना सकें और आपके पास सारा सामान अवेलेबल हो, तो आपको मार्केट में ज़्यादा भटकना नहीं पड़े। हम आपकी कन्वीनियंस देखते हैं कि आपकी सुविधा के अनुसार आप कितना अच्छा और कितना बेहतर बना सकते हैं इजीली। होप गाइस आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को, जुड़े रहिए हमसे।